बांचे। आज पहले 1 घंटा पहले पूरा कमरा साफ करने में लगा है मैंने, क्योंकि यार नहीं तो तुम लोग बोलते हो कमरा तो साफ कर लिया, लीचड़ आदमी कितना गंदा रखता है। ओके टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो बच्चों ठीक है, बताओ नाई क्या क्या करता है। जी एकदम ठीक बात, बाल काटता है बिल्कुल सही, दाढ़ी काटता है। जी चूतिया भी नहीं 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 नहीं, हर कोई जो है तुम्हारी तरह बगल के बाल बेशर्मों की तरह नाई से नहीं बनवाता है। आजकल लोगों के पास ट्रिमर होता है, वो घर पे ही काट लेते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है हर कोई। वैसे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम नाई की दुकान पे बाल कटवाने गए हो और तुम्हारा नंबर आने ही वाला हो, लेकिन मतलब तुम्हारा नंबर आ गया, तुम कुर्सी पे जाके बैठ गए और तुमसे पहले वाले जो अंकल है ना वो अचानक से कहते हैं ए सलमान जरा बगल के बाल साफ कर दिए मेरे, और भाई इसके बाद सलमान अंकल के बाल काट रहा और तुम उधर कुर्सी पे बैठ के उसे देख रहे हो, और ये सब देख के तुम बस ये सोच ही रहे होते हो कहीं ये इसी उस तरह से मेरे बाल ना काट दे, और बाद में वो काट भी देता है बिना ब्लेड बदले। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ था। मैं 10 बार नहाया हूँ घर आके फिर, और मुझे अभी तक अफसोस है कि उस दिन मैंने सलमान को अपने बालों पे वो उस तरह लगाने से रोका क्यों नहीं, क्योंकि यार वो अंकल बगल के बाल कटवाने के बाद भी घर नहीं गए थे, अपने 2 बेटे साथ लेके आए थे जिन्हें उन्हें टकला कराना था, तो उनके इंतजार में वहां बैठे थे। कैसे कहता उनके सामने, पड़ोस में अलग रहते थे वो, मैं कहता तो वो बुरा मान जाते। कुछ नाई जो है वो मालिश भी बहुत अच्छी करते हैं। कमर का दर्द निकाल दिया था उस दिन शाहरुख ने मेरी। उन्हीं में से एक नाई है ये जिनका YouTube पे चैनल है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के नाई है ये, लेकिन अगर तुम इनका YouTube चैनल खोल के देखोगे ना और उसके थंबनेल देखोगे तो भाई कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि ये मालिश वाली वीडियो है। ऐसा लगता है जैसे कुश्ती की या फिर WWE की वीडियोज है, ऐसे गुत्थम गुत्था थंबनेल बनाते हैं ये। तो चलो फिर आज देखते हैं बढ़िया करके मालिश कैसे होती है। और यार दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्क इंडिया। वर्क इंडिया एक जॉब सर्चिंग एप्लीकेशन है जिससे तुम अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो। अगर तुम फ्रेशर्स हो या फिर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो तो तुम इजीली वर्क इंडिया ऐप में लॉग इन करके HR का नंबर ले सकते हो और तुम फिर इंटरव्यू के लिए आगे जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो अपने लिए एक अच्छी जॉब सर्च कर जॉब ढूंढना तो प्लीज वर्क इंडिया ऐप को जरूर डाउनलोड करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें तुम्हें सारी वेरीफाइड कंपनीज मिलेंगी और कोई फी नहीं है लॉग इन करने की, ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज चेक जरूर करना। चलो फिर अभी मालिश शुरू करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हाथ मलने ऐसे करके और उसके बाद उतारने कपड़े। फिर लगाना है तेल कोई भी अच्छी सी ब्रांड का और उसे मलना है बढ़िया करके कमर पे। फिर करनी है बढ़िया करके मालिश एकदम टाइट हाथों से। नहीं 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 इतने टाइट हाथ नहीं भैया, कमर तोड़ोगे क्या उसकी बिचारेगी। नहीं 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 हाथ नीचे नहीं, नीचे नहीं, गंदा काम यहां नहीं चलेगा, नीचे हाथ नहीं ले जाना। भाई इसका मुंह देखो यार तुम। हमें ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टट्टी नहीं करी हो 4 दिन से और इसका प्रेशर बन रहा हो बढ़िया करके। शकल तो देखो यार एक बार। अबे भाई यार इन अंकल की हरकतें देख के मुझे डर लग रहा है कहीं ये इस मासूम की गांड ना मार ले यार, जैसी ये हरकतें कर रहे हैं ना, कभी हाथ नीचे कभी इधर उधर, किसको शकल दिखाएगा यार ये अपनी अगर इसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो। गलत इशारा कर दिया मैंने। अच्छा तो अभी धागे से मैल छुटाई जा रही है। जी यार कितनी मैल उतर रही है, कब से नहीं नहाया, लास्ट टाइम अपनी बाप की बारात वाले दिन नहाया था क्या, वो भी जल्दी जल्दी में, बारात में नाचने की जल्दी हो रही थी तुझे। कतई फैक्ट्री खोल के बैठा है ये तो भाई मैल की, इसलिए कहते हैं डेली नहाना चाहिए। नहीं मतलब डेली नहीं, हफ्ते में एक बार तो नहाना चाहिए, मगर मतलब बिन बात पीट लिया भाई ये सही है, मालिश करके पैसे भी लो और पीट भी लो, गुस्सा भी उतार दो अपना, ये सही है। अच्छा तो भैया देखो अब करी जा रही हेड मसाज, ये क्या है। देखो मैं तुम्हें पहली बता रहा हूं इसके इरादे ठीक नहीं है, साला सर की मालिश करते करते ऑर्गेज्म ले रहा है भाई। जिस तरह से ये इसकी खोपड़ी दबा रहा है ना, ऐसे 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 करके बता रहा हूं, इस तरबूज की तरह फोड़ देगा ये। सफाई बहुत जरूरी है।
अबे भाई अबे भाई ठीक इस तरह से ना मेरी मुझे टीचर मारती थी जब मैं होमवर्क करके नहीं लेके जाता था अपने स्कूल का। अबे कितनी बुरी किस्मत पाई है इस बंदे ने, नाई से मालिश करवाने आया वहां आके भी पिट रहा है। कोई मुझ जैसा लौंडा पहुंच गया ना भैया इसके पास सीधे, जैसे इसने ऐसा मारा ना ऐसा घुमा घुमा के चार बुत फेर देता अब तक। अबे भाई ब्रूस ली का फुप्पा है क्या यार तू, मतलब ऐसे खतरनाक खतरनाक कॉम्बो कर रहा है तू, ऐसा तो नहीं लग रहा मालिश वालिश करने के इरादे से, कुंफू खेलने के इरादे से लग रहा है मुझे तो पूरे पूरे। देखो यार मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, ये बनना चाहता होगा कुंफू मास्टर हुई करके ना लोगों की गांटे तोड़ना चाहता होगा, लेकिन इसने आखिरकार मतलब नहीं बन पाया और सलून खोल लिया, तो अभी ये अपनी इच्छा पूरी कर रहा है कुंफू खेलने की लोगों को पीट पीट के ऐसे। अरे भैया सारी हड्डी चटका दी तुमने उसके शरीर की, अब कुछ छोड़ भी दो, अब क्या तुम्हारा इरादा लुल्ली पकड़ के उसकी चटकाने का है, तब जाके चैन पड़ेगा तुम्हें। और कैसा आर्या नहीं आर्या एकदम मियां खलीफा वाला फील। लेकर ठंडा तेल कर दूं मैं मालिश, मालिश करूं ऐसी जैसे खेलूं मैं कबड्डी, नाम मेरा गंडली सिंह तोड़ दूं मैं हड्डी, यो यो यो। ये क्या कर रहे हो भैया, गलत जगह पे हाथ लगा दिया तुमने, थोड़ा नीचे चले जाओ, तब होती है ये सब चीजें, ये गलत है गलत है। ऐसे मैं रात को खेलता हूँ अपने AK-47 के साथ, देखियो जरा खुश कितना हो रहा है, साले मरते मरते बचा है तू इस इंसान के हाथों से, और खुश इतना हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया हो तूने। अबे जिंदा बच गया तू, बहुत बड़ी बात है, जिंदा भी नहीं छोड़ता तुझे आज। यार इन मक्खी मच्छर ने अलग आतंक फैला रखा, एक एक को काट दूंगा भैंचुत, ऑल आउट लगा के सर्जिकल स्ट्राइक देनी पड़ेगी ना सबको। ये मेरे ठीक आगे लाइट लगी हुई है ना, तो इसी पे इसीलिए आ रहे हैं उड़ उड़ के। तो यार बस आज का वीडियो इधर ही खत्म होता, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था, इन लोगों के चैनल पे जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, इन्हें हेट कमेंट्स नहीं देना, एंड प्लीज वर्क इंडिया ऐप भी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक काम कर दो बस, यार पुलवामा अटैक में जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज की हम हेल्प कर सकते हैं पैसे डोनेट करके। पैसे डोनेट करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आगे चल के उनकी फैमिलीज को उससे हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी लोगों ने शायद पहली डोनेशन कर दी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करी है, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कैसे करनी है, उनको मैं बता देता हूँ। अगर तुम पेटीएम पे जाओगे तो वहाँ तुम्हें CRPF ब्रेव हार्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके तुम मनी डोनेट कर सकते हो, नहीं तो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है bharatkeveer.gov.in करके, वहाँ जाके तुम डोनेट कर सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज़ करो, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा डोनेट करने ही, मतलब ज्यादा डोनेट ही करने जरूरी है, जितने तुम कर सकते हो उतने करो प्लीज़।